बड़ी खबर आपको इस बीच में बता दें कि जयपुर से बड़ी खबर है, भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो गई खत्म। आज ही भाजपा की कोर कमेटी की बैठक थी प्रदेश कार्यालय में जयपुर में, 12:30 बजे से बैठक की शुरू होनी थी, जिसमें लोकसभा चुनाव की दृष्टि से ये बैठक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जिसमें तमाम बड़े नेता शामिल हुए और केंद्रीय नेतृत्व को कैसे लाया जाए उस पर भी चर्चा की गई, प्रस्तावित भावी प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भी इसमें चर्चा की गई, सरकार की गारंटी यानी कि केंद्र सरकार की गारंटियां लोगों तक पहुंचाने पर भी चर्चा की गई, 100 दिन के कामकाज को लेकर भी चर्चा हुई। तो ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, आने वाले दिनों में आप इस बैठक के परिणाम को देख पाएंगे कि कौन कौन से बड़े चेहरे ऐसे केंद्रीय नेतृत्व के उतरेंगे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, दोनों डिप्टी सीएम सीपी जोशी, अलका गुर्जर, साथ ही आपको अर्जुन राम मेघवाल, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, तमाम वो बड़े नेता मौजूद रहे। ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, आज ही 12:30 बजे जयपुर के बीजेपी कार्यालय में बैठक आयोजित थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भाजपा कोर कमेटी की बैठक हो गई है खत्म, अब ज्यादा एक्टिव मोड में, क्योंकि इसके 2 दिन पहले ही अभी गृह मंत्री अमित शाह आए थे तीनों जिलों के, जयपुर, उदयपुर और सीधे 9 लोकसभा सीटों पर उसका असर पड़ा था। चुनावी आगाज का बिगुल वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा फूंकी जा चुकी है और आज कोर कमेटी की बैठक बीजेपी की जो हुई है उस क्रम में एक बढ़ोतरी, एक स्टेप आगे बढ़कर बीजेपी 25 की 25 सीटों पर सीधे इन्फ्लुएंस डालने की कोशिश कर रही है। इस बैठक में तमाम चीजें डिसाइड की गई और इसको लेकर ही हो सकता है कि बैठक, क्योंकि 24 और 25 तारीख को जो रोड शो के जरिए 9 जिलों में जाने की कोशिश, जो ERCP परियोजना को घर घर तक बताने की कोशिश की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, किरोड़ी लाल मीणा जिसमें मौजूद रहेंगे, उसका ही एक स्टेप माना जा सकता है। यानी कि बीजेपी अब पूरे चुनावी मोड में आ चुकी है। अब इस खबर पर हमारे संवाददाता बाबूलाल जुड़े हुए हैं। बाबूलाल, बैठक खत्म हो गई, क्या परिणाम निकल कर आया बाहर? जी, बैठक खत्म हो गई है और नेता बाहर निकल रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ इस वक्त जो है वो मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, तो एक बार सुनते हैं कि राठौड़ क्या बोल रहे हैं। 3 दशकों का इंतजार करने के बाद यमुना जल समझौता आया है, हरियाणा ने सहमति दी है, ये बहुत बड़ी बात है। क्लस्टर प्रवास योजना और उस योजना में जो हमें गृह मंत्री जी ने 24 अलग अलग बूथ होने वाले काम, तो बैठक खत्म हो गई, मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे तक आएंगी, वो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि कौन मीडिया को एड्रेस कर रहा है और बैठक में क्या कुछ हुआ है उसके बारे में ब्रीफिंग मीडिया को दी जा रही है। लेकिन ये तस्वीर आप बीजेपी कार्यालय के परिसर के अंदर की देख सकते हैं, जहां पर बड़े चेहरे आपको दिखाई पड़ रहे हैं और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक ये बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यही इस बैठक के बाद से ही इलेक्शन मोड में बीजेपी और ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है।